ऑप्टिक्स के लिए ये सिर्फ वक्त खरीदने के लिए और आंखों में धूल झोंकने के लिए इस तरह के एफआईआर रजिस्टर किया गया है। ये लोग कभी भी फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे और आप देखेंगे अगर यही लोग करेंगे इन्वेस्टिगेशन तो तमाम के तमाम को क्लीन चिट दे दिया जाएगा, चुनाव से पहले क्लीन चिट दिया जाएगा। इसलिए हमारा डिमांड ये है कि किसी हाई कोर्ट सिटिंग जज के जरिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के तहत इसका मॉनिटरिंग इंक्वायरी हो ताकि इंसाफ हो सके। ये देखिए ये मैंने पद पे बैठे रहे कैसा बैठे रहेंगे पद पे, उनको तो छोड़ना चाहिए ना, उनको छोड़ेंगे तभी तो इंसाफ होगा। वो तो होम मिनिस्टर हैं और उन्हीं के बेटे का नाम आ रहा है और लोग उनकी गाड़ी वहाँ पर है और उन्होंने धमकी दी दो तीन पहले इस तरह की ये हो सकता है कहा करेंगे, तो ये सब चीज़ें हैं। और ये देखिए यही तो संविधान पर भरोसा होगा, डेमोक्रेसी पर होगा, तो आप इस तरह की हरकत नहीं करते। आप तो दिखा रहे हैं कि हम सत्ता में हैं और जो चाहे करेंगे, किसी की जान भी ले लेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर जितने भी हैं वो लखीमपुर खीरी जाना चाह रहे थे, उनको या तो डिटेन कर लिया गया या नज़रबंद किया गया है, चाहे अखिलेश यादव हों, प्रियंका गांधी हों या फिर नहीं, चाहे देखिए जब कभी भी इस तरह की सरकार की तरफ से कोई हरकत होती है जिससे इंसानों की जान चली जाती है तो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है कि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता जाते हैं। क्यों जाते हैं? जाकर पीड़ित परिवार से उनके आंसू पोंछते हैं, उनको हिम्मत दिलाते हैं और इंसाफ की उम्मीद दिलाते हैं। मगर क्यों रोका जा रहा है उन लोगों को? रोकना नहीं चाहिए, हमारा भी इरादा है। हम यहाँ पर एक टीवी चैनल कॉन्क्लेव में आए, हम भी जाना चाहेंगे लखीमपुर खीरी को ताकि उन लोगों के साथ ठहरे। भाई आप कैसा दिन के उजाले में आप रोन देंगे गाड़ी से किसी को कि यानी देश चलेगा संविधान से या किसी एक बेटे के जहालत से और उसकी हैवानियत से? सर यूपी चुनाव जब जब हुआ है तो बड़े हिंसे की वारदात हुई है, चाहे हिंदू मुसलमान के बीच में दंगा हो, अब किसानों की बारी आई है, क्या यूपी चुनाव शांतिपूर्ण से कभी नहीं हो सकता? इसकी अब नहीं, देखिए ये सरकार तो अपनी ताकत के बलबूते पर हर उस आवाज़ को बंद करना चाहती है और अगर कोई ज़्यादा करेगा तो ठोक दो की पॉलिसी मुख्यमंत्री बात करते हैं, गोली चला देंगे या जेल में डाल देंगे, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इसीलिए इन चीज जब तक ये लोग रहेंगे, ये प्रदेश रूल ऑफ लॉ से ना चला है 4.5 साल में, बल्कि रूल ऑफ गन से चलता रहा है।